ये वीडियो केवल और केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में आप जो भी सुनेंगे या देखेंगे वो किसी डॉक्यूमेंट्री, किताब या इंटरनेट से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है मधु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इन्फोमेनिया में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सभी इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में और जानेंगे इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक कितने राष्ट्रपति ने हमारे देश की सेवा की है। इस वीडियो को मजेदार बनाने के लिए हम क्विज के माध्यम से आपको सवाल पूछेंगे और 7 सेकंड का टाइमर भी देंगे ताकि आपको सही उत्तर को सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है, उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को धैर्य से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी ममता बनर्जी, सी वरहागिरी वेंकटगिरी, टी जाकिर हुसैन। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो आपका उत्तर सही है। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। वे 12 साल और 107 दिन तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद को ज्वाइन किया और 13 मई 1962 में कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 28 फरवरी 1963 को हुई। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी वराहगिरी वेंकटागिरी, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी ज्ञानी जैल सिंह। अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के थिरुत्तनी गांव में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर थे। 13 मई 1962 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद को ज्वाइन किया और 13 मई 1967 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 17 अप्रैल 1975 को हुई। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी फखरुद्दीन अली अहमद। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो आपका उत्तर सही है। जाकिर हुसैन जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद के कायमगंज गांव में हुआ था। वे 8 साल और 355 डेज तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 13 मई 1967 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर ज्वाइन किया और 3 मई 1969 को उनके निधन के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 3 मई 1969 को हुई। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन है ए बसप्पा दानप्पा जत्ती, बी अरमस्वामी वेंकटरमन, सी वराहगिरी वेंकटगिरी, डी नीलम संजीव रेड्डी। अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। वराहगिरी वेंकटागिरी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वराहगिरी वेंकटागिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर थे और 78 डेज तक एक्टिंग प्रेसिडेंट के पद में भी रहे। 24 अगस्त 1969 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर ज्वाइन किया और 24 अगस्त 1974 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 24 जून 1980 को हुई। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन है ए शंकर दयाल शर्मा, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी रामस्वामी वेंकटरमन, डी अशोक कुमार। अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। फखरुद्दीन अली अहमद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म
13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी कॉलोनी में हुआ था। वे 2 साल 171 डेज तक राष्ट्रपति के पद पर थे। 24 अगस्त 1974 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर ज्वाइन किया और 11 फरवरी 1977 को उनके निधन के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 11 फरवरी 1977 को हुई। क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए शंकर दयाल शर्मा, बी गोपाल स्वरूप पाठक, सी कृष्णकांत, डी नीलम संजीव रेड्डी। अगर आपने ऑप्शन डी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर थे। 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति के पद पर ज्वाइन किया और 25 जुलाई 1982 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 8 जून 1996 को हुई। क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए महेंद्र नाथ पांडेय, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी शंकर दयाल शर्मा, डी श्री पीयूष गोयल। अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर थे। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर ज्वाइन किया और 25 जुलाई 1987 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 25 दिसंबर 1994 को हुई। क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए रामास्वामी वेंकटरमन, बी जगदीप धनखड़, सी कोचेरिल रमन नारायणन, डी मोहम्मद हामिद अंसारी। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो आपका उत्तर सही है। रामास्वामी वेंकटरमन जी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें। रामास्वामी वेंकटरमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के राजामदम गांव में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर थे। 25 जुलाई 1987 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर ज्वाइन किया और 25 जुलाई 1992 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 27 जनवरी 2009 को हुई। क्वेश्चन नंबर 9। हु इज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बी भैरों सिंह शेखावत, सी शंकर दयाल शर्मा, डी श्री रमेश्वर तेली। अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 25 जुलाई 1992 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर ज्वाइन किया और 25 जुलाई 1997 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 23 दिसंबर 1999 को हुई। क्वेश्चन नंबर 10। हु इज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए कोचेरिल रमन नारायणन, बी श्री नीतीश कुमार, सी श्री जयनारायण मिश्रा, डी हरभजन सिंह। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो आपका उत्तर सही है। कोचेरिल रमन नारायणन जी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें। कोचेरिल रमन नारायणन का जन्म 3 फरवरी 1921 को केरल के उंझावूर में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर थे। 25 जुलाई 1997 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाला और 25 जुलाई 2002 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 9 नवंबर 2005 को हुई। क्वेश्चन नंबर 11। हु इज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए इंद्र कुमार गुजराल, बी श्री हरदीप सिंह पुरी, सी गणेशी लाल, डी ए पी जे अब्दुल कलाम।
अगर आपने ऑप्शन डी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाला और 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 22 जुलाई 2015 को हुई। क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए राजकुमार सिंह, बी भूपेंद्र यादव, सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर आपने ऑप्शन सी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के नांदगांव में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 15 जुलाई 2007 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाला और 15 जुलाई 2012 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 13। हु इज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए प्रणब मुखर्जी, बी जितेंद्र सिंह, सी कृष्णपाल, डी अश्विनी कुमार चौबे। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो आपका उत्तर सही है। प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। प्रणब मुखर्जी का जन्म 19 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मिरिटी गांव में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर थे। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाला और 25 जुलाई 2017 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उनकी देहांत 31 अगस्त 2020 को हुई। क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए नित्यानंद राय, बी रामनाथ कोविंद, सी सोम प्रकाश, डी मीनाक्षी लेखी। अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। रामनाथ कोविंद जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परोंक गांव में हुआ था। वे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 25 जुलाई 2017 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाला और 25 जुलाई 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ए शांतनु ठाकुर, बी सुभाष सरकार, सी निशित प्रमाणिक, डी द्रौपदी मुर्मू। अगर आपने ऑप्शन डी को चुना है तो आपका उत्तर सही है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के राय रंगपुर शहर में हुआ था। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाला। और इसी के साथ हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का ये वीडियो खत्म हुआ। चलिए तो फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द इन्फोमेनिया को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वो घंटी के आइकॉन को बजाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आप मजा उठा सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो फिर चलिए, हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।